हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ कंप्यूटर अवेयरनेस ये क्वेश्चन सिंपल सा है हर पेपर में बार बार पूछा जाता है फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर डिफाइन विद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर ठीक है फ्रेंड्स तो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर होता क्या है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो हमारे पास कंप्यूटर आया कहाँ से पहले तो कंप्यूटर वर्ड आया है हमारे कंप्यूटर वर्ड से ठीक है फ्रेंड्स कंप्यूटर कंप्यूटर का मतलब होता है हमारे पास कंप्यूट करना कंप्यूट करना ठीक है फ्रेंड्स यानी कि कैलकुलेशन करना ठीक है फ्रेंड्स आई होप सबको मीनिंग पता चल गया होगा कि कंप्यूटर आया कहाँ से लैटिन वर्ड कंप्यूटेयर से कंप्यूटेयर का मीनिंग होता है कंप्यूटेशन यानी कि कैलकुलेट करना ठीक है फ्रेंड्स अब आता है एक क्वेश्चन व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म है हमारे पास सी से बनता है कॉमन ठीक है ओ से बनता है ऑपरेटिंग एम से मशीन पी से पर्टिकुलर यू से यूज्ड फॉर टी से टेक्निकल एंड ई से एजुकेशनल आर से रिसर्च यानी कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अपने पास कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलर यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च ठीक है फ्रेंड्स अब आता है अब आता है हमारे पास कंप्यूटर होता क्या है वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कम्प्यूटर कम्प्यूटर क्या है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है इनपुट लेता है यूज़र से यूजर से इनपुट लेता है किसकी फॉर्म में एक डाटा की फॉर्म में फिर उसको क्या करता है उस डाटा को प्रोसेस करता है ठीक है फ्रेंड्स और हमें क्या देता है आउटपुट देता है यानी कि रिजल्ट देता है किसकी फॉर्म में आउटपुट की फॉर्म में ठीक है फ्रेंड्स तो हमारे पास कंप्यूटर है क्या कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर इन द फॉर्म ऑफ डाटा प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन एंड गिव्स द यूजर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट ठीक है फ्रेंड्स यानी कि कंप्यूटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेता है उसको प्रोसेस करता है प्रोसेस किस अकॉर्डिंग करता है जो इन्फॉर्मेशन हम उसको देते हैं यानी कि ये क्वेश्चन दिया हमने कोई भी जैसे हमने दो चीज़ों को ऐड करना है ए प्लस बी जैसे हमें ऐड करना है दो चीज़ों को ए प्लस बी को ठीक है तो वो क्या देगा हमें एडिशन देगा यानी कि सिक्स प्लस फाइव इलेवन ठीक है फ्रेंड्स तो ये इलेवन क्या हो गया हमारे पास रिजल्ट हो गया सिक्स एंड फाइव क्या हो गया इनपुट हो गया और प्लस क्या हो गया एक ऑपरेटर हो गया जो इन दोनों को क्या करता है ऐड करता है तो ये होता है फ्रेंड्स कैल कंप्यूटर यानी कि कैलकुलेशन करना अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन इनपुट जो हाँ यूजर ने दिया उसको प्रोसेस किया और हमें आउटपुट दे दिया दैट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर ठीक है फ्रेंड्स आई होप सबको समझ आ गया होगा नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन क्या क्या हैं कंप्यूटर के इनपुटिंग यानी कि डाटा को इनपुट करना जो हम उसको इनपुट दे रहे हैं फिर उसको स्टोर करना सेकंड हमारे पास है स्टोर स्टोरिंग द डाटा पहले तो डाटा को एंटर करना इनपुट मतलब डाटा हमने एंटर कर दिया स्टोर उसके अंदर शेव करना फिर प्रोसेसिंग जो हमने उसके ऊपर ऑपरेशन दिए हैं उनको परफॉर्म करना ठीक है फ्रेंड्स फिर आउटपुट प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट मिली जो रिज़ल्ट मिला उसको बोलते हैं हम आउटपुट के फॉर्म में फिर कंट्रोल जितने भी ऑपरेशन हमने लगाए ऊपर अबाउ जो ऑपरेशन हुए हमारे पास चारों ऑपरेशन इनपुट आउटपुट प्रोसेस और स्टोरिंग इन सबको एक सीक्वेंस में लगा के उनको डायरेक्शन देना कंट्रोल करना ये क्या कहलाता है हमारे पास कंट्रोलिंग ये सारे क्या थे हमारे पास बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर बेसिक ऑपरेशंस ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के अंदर हमारे पास एक साइकिल होती है पहला होता है इनपुट डिवाइस यानी कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को सिस्टम को उसके बाद क्या होता है वो एक प्रोसेस करता है जिसको बोलते हैं सी पी यू को हम इनपुट देते हैं ठीक है फ्रेंड्स उसके अंदर आते हैं सी पी यू क्या होता है हमारे पास ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम सी पी यू कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है हमारे पास सी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दिस इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ आती हैं सी पी यू के अंदर कंट्रोल यूनिट ए एल यू और मेमनी यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या करती है फ्रेंड्स कंट्रोल करती है ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ए एल यू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट फिर आता है मेमोरी यूनिट ठीक है फ्रेंड्स इन सबको क्या होती है फिर इन सब से हमें मिलती है आउटपुट डिवाइसेस यानी कि आउटपुट रिजल्ट मेमोरी में स्पेस कहाँ से आता है मेमोरी के अंदर डाटा सेकेंडरी स्टोरेज से भी आ सकता है मेमोरी यूनिट में ठीक है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं जैसे कौन कौन से होते हैं हमारी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या इंटरनल स्टोरेज ठीक है फ्रेंड्स ये हमारे सब क्या होते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क अब आता है हमारे पास ये देखिए फ्लो ऑफ डाटा और फ्लो ऑफ कंट्रोल जो ये डार्क लाइन है ये वाली ये क्या है फ्लो ऑफ डाटा यानी कि इस फ्लो में हम डाटा क्या कर रहे हैं एंटर कर रहे हैं उसको दे रहे हैं और जो ये डैश लाइन है ये वाली ये वाली ये क्या है हमारे पास फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी कि कैसे फ्लो चल रहा है डाटा का ठीक है फ्रेंड अब हमारे पास आता है क्या क्या होता है इनपुट डिवाइस क्या करता है कंप्यूटर में जितने भी वर्क होते हैं हमारे पास सारे इस साइकिल के थ्रू होते हैं ये साइकिल है इनपुट से डाटा हमने एंटर किया और फिर सी को दिया सी ने उसके ऊपर आर्थमेटिक लॉजिक जो भी लॉजिक लगाना है जो कैलकुलेशन हमारे पास है उन सबको क्या करते हैं वो उसके ऊपर ऑपरेशन लगाता है कंट्रोल यूनिट जितनी भी सीक्वेंस है जितने प्रोग्राम है सबको कंट्रोल करता है और फिर ये हमें क्या देता है आउटपुट देता है चलिए इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं फर्स्ट वी डिफाइन इनपुट यूनिट इनपुट यूनिट में क्या क्या होता है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है पहले डाटा को क्या करता है एक्सेप्ट करता है यूजर से ठीक है जो एक्सेप्टेड डाटा है उसको कन्वर्ट करता है किस में मशीन लैंग्वेज में ठीक है फ्रेंड्स मशीन लैंग्वेज को क्या करता है कन्वर्ट convert, कन्वर्टेड जो मशीन लैंग्वेज है उसको क्या करता है सीपीयू को दे देता है किसके लिए प्रोसेसिंग के लिए और क्या करता है इंटरेक्ट करता है इस लिंक को कंप्यूटर के साथ तो ये हमारे पास क्या था इनपुट यूनिट का वर्क था अब हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स वो देखिए कीबोर्ड क्या है हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है माउस क्या है इनपुट डिवाइस है लाइट पेन जॉय स्टिक ट्रैक बोल ओ सी आर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर फ्लोपी हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव पंच कार्ड रीडर ऑल आर इनपुट डिवाइसेस ठीक है फ्रेंड्स सी पी का क्या काम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या करता है जितना भी प्रोसेसिंग वर्क है कंप्यूटर का वो परफॉर्म किया जाता है बाय सीपीयू जितनी भी परफॉर्मेंस है सीपीयू पी इज़ कॉल्ड मैंने पहले भी बताया है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर ठीक है इट कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ठीक है फ्रेंड्स इसके कंपोनेंट्स में मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं आपको ए एल लॉजिक यूनिट सी कंट्रोल यूनिट और मेमरी यानी कि मेन मेमोरी ठीक है फ्रेंड्स अब क्या है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जितने भी ये हैं सी परफॉर्म करता है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन ठीक है फ्रेंड्स हमारे पास स्टोरेज लोकेशन होती है जिनको हम बोलते हैं जहाँ पे भी हमारी लोकेशन स्टोर होती है उसको हम बोलते हैं रजिस्टर ठीक है दीज रजिस्टर आर वेरी स्मॉल इन कैपेसिटी एंड कंटेन डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ठीक है इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं अर्थमेटिक सेक्शन और लॉजिक सेक्शन ठीक है फ्रेंड्स आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा ये देखिए अर्थमेटिक सेक्शन क्या करता है हमारे पास जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जितने भी कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हैं वो परफॉर्म करता है अर्थमेटिक सेक्शन ठीक है फ्रेंड्स अब आता है लॉजिक सेक्शन लॉजिक सेक्शन क्या करता है हमारे पास जितने भी ऑपरेशन हैं सबको क्या करता है कंपेयर करता है उनको सेलेक्ट करता है उनको मर्ज करता है आई होप सबको अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम समझ आ गया होगा फंक्शन कौन कौन से हैं एल यू के वो देखिए इट ऑपरेट्स ऑन डाटा अवेलेबल इन द मेमोरी जितना भी डाटा मेमोरी के अंदर अवेलेबल है उनको क्या करता है ऑपरेट करता है अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ एडिशन सब्टशन मल्टीप्लिकेशन जितने भी ऑपरेशन हैं ये सबको कैरी करता है और लॉजिक सेक्शन को भी कैरी करता है और आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा इट सेंड बैक प्रोसेस डाटा टू द मेन मेमोरी जितने भी ऑपरेशनस हैं उनको परफॉर्म करने के बाद सारा डाटा कहाँ स्टोर हो जाता है मेन मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है फ्रेंड्स ठीक है मेन मेमोरी के अंदर ठीक है फ्रेंड्स फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट क्या करता है वो कमांड देता है इट गिव्स द कमांड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम द इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से डाटा को ट्रांसफर करता है और क्या करता है फ्रेंड्स मेन मेमोरी में मेन मेमोरी टू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है फ्रेंड्स आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा इट गिव्स द कमांड टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू मेमोरी एंड फ्रॉम मेमोरी टू अर्थमेटिक यूनिट इट रिजल्ट जितने भी रिजल्ट हैं उनको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम मैन मेमोरी टू आउटपुट डिवाइस और स्टोर करता है डाटा को मेमोरी के अंदर प्रोग्राम्स को जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनको एंटरप्रेट करता है अगर कोई इशू है तो वो उनको वार्निंग दे देता है अगर नहीं है तो वो उनको क्या कर देता है एक्जीक्यूट कर देता है और ये सारा एरिया कहाँ पर होता है आउटपुट के फॉर्म में ठीक है फ्रेंड्स इट प्लेसेस द प्रोसेस रिज़ल्ट इन द आउटपुट एरिया ऑफ मेमोरी मेमोरी का जो जो आउटपुट एरिया है वहाँ पे उनको क्या कर देता है ये डिस्प्ले कर देता है ठीक है फ्रेंड्स मेन मेमोरी मेन मेमोरी को हम बोल देते हैं हमेशा ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी भी बोल देते हैं ठीक है ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी मेमरी सेंट्रल मेमरी ठीक है फ्रेंड्स इंटरनल मेमरी इट इज़ करैक्टरवाइज बैट बाई फैक्ट दैट इट इज़ द ओनली मेमरी विच इज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सी पी यू यानी कि जो भी डाटा डायरेक्टली सी पी यू से मेमरी क्या करती है सी पी यू से डायरेक्टली कनेक्ट होती है तो वो डाटा को क्या कर सकती है एड कर सकती है स्टोर कर सकती है डाटा को ये मेनली कॉस्टली होती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी वो होती है स्मॉल होती है तो इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम विच इज बिंग एक्जीक्यूटली करंटली जो रन हो रहा है वो डाटा हम इसके अंदर स्टोर करते हैं प्राइमरी मेमोरी मेनली हमारे पास दो टाइप की होती है कौन कौन सी होती है एक होती है रैम और दूसरी होती है रोम रीड ओनली मेमरी और रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमरी ठीक है फ्रेंड्स ज़्यादा डिटेल में तो नहीं लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ जो रोम होती है हमारे पास सिस्टम के अंदर जो रोम होती है यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है रोम होती है यानी कि रोम परमानेंट उसके अंदर हम राइट नहीं कर सकते सिर्फ रीड कर सकते हैं डाटा को और रैम क्या होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमरी रैम इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमरी ठीक है फ्रेंड्स एक होती है वोलेटाइल एक होती है नॉन वोलेटाइल वोलेटाइल का मतलब है अगर पावर ऑफ हो गई तो डाटा क्या हो जाएगा हमारा लोस्ट हो जाएगा जो रैम होती है वो क्या होती है टेम्परेरी मेमरी होती है रेम इज आल्सो कॉल्ड टेम्परेरी मेमरी रोम इज़ कॉल्ड परमानेंट मेमरी ठीक है फ्रेंड्स आई होप सबको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम सो प्लीज़ लिशन केयरफुली एंड डू हार्ड वर्क क्योंकि आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए लॉकडाउन के अंदर घर पे रहिए सेफ़ रहिए और ऑनलाइन स्टडी करते रहिए